नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर पटना से है, जहां गांधी मैदान के पेट्रोल पंप पर बाइक से पेट्रोल भरवाने युवक पहुंचे। इसी दौरान पैकेट से सिगरेट निकालकर सिगरेट पीने लगे। तभी पेट्रोल पंप कर्मी ने सिगरेट पीने से मना किया तो युवक ने पेट्रोल पंप कर्मी पर पिस्टल तान दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा और गांधी मैदान थाने के हवाले कर दिया। दो अपराधी किस्म के व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गए, जैसा कि वे भी बता रहे हैं कि तेल लेने के लिए गए थे, लेकिन उसमें से एक सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीने का विरोध किया गया पेट्रोल पंप के प्रबंधक के द्वारा। विरोध करने के पश्चात उसने पेट्रोल पंप प्रबंधक या स्टाफ के साथ बदतमीजी किया, और बदतमीजी करने के क्रम में उसने अपने पास रखे हुए पिस्तौल को भी निकाल लिया। और उसके साथ एक व्यक्ति और था, उसके पास भी एक पिस्तौल था। दोनों व्यक्तियों के पास पिस्तौल था, उससे पूछताछ की जा रही है और आगे पूछताछ के पश्चात जैसा कि आता है निष्कर्ष, उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई सख्त रूप से की जाए। बात करें मोकामा की, तो घोसवरी प्रखंड की सयागढ़ पंचायत में चुनाव के 6 माह बाद भी नए सरपंच को ग्राम कचहरी का प्रभार नहीं मिला है। ग्राम कचहरी का प्रभार नहीं मिलने से नई सरपंच बेबी कुमारी को न्याय देने में भारी कठिनाई हो रही है। इस बाबत नई सरपंच ने विभागीय प्रधान सचिव को पत्र लिखकर ग्राम कचहरी का प्रभार दिलाने की मांग की है। मैं अजीत कुमार सिंह, सम्यागढ़ सरपंच के पति हैं और सम्यागढ़ में चुनाव का विगत 6-7 माह भी जीत चुका है, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी उपस्कर ग्राम कचहरी का यहाँ प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ सबके वर्तमान सरपंच बेबी कुमारी को न्याय दिलाने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है। न उठने का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था, जबकि 2 साल पूर्व सब सामान सरकार के द्वारा खरीद की गई थी, परंतु आज तक वर्तमान सरपंच को प्रभार नहीं मिला है। बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ गंगा घाट पर नहाने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग नदी में डूब गए। इस दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि सभी बरबीघा के रहने वाले हैं। घर में किसी की मृत्यु के बाद गंगा स्नान कर शरीर की शुद्धि करने आए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा किनारे जो सीढ़ी बनी हुई है, उसकी बनावट को लेकर आए दिन डूबने की घटना होती रहती है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। आपात में बोल रहे हैं नगर परिषद से जितना पैसा लगे सिक्कर लगाया जाए। एकदम हम तो कार्यपालक नए आए हैं, हम अभी तुरंत कहते हैं कि आपात बैठक बुला के 2-4 लाख 5 लाख जो लगे पूरे रेलिंग लगाया जाए, इसके लिए जितना सहयोग हम लोग करेंगे। गया के आजाद पार्क में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय घुघड़ी टाट बाईपास शाखा के द्वारा 4 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूपों का संस्था का बीके बबीता बहन के नेतृत्व में रक्षाबंधन कर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन होगा। आप सब जा रहे हैं, देव है तो हम ठीक है, तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हमें देखी नहीं होती और उस चीज को हम देख लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। जब हम किसी स्थान पर गए नहीं होते, कहीं मन में होगा
पराली के अंदर घूम के आओ, लेकिन घूम के नहीं आते बेगूसराय में एक बार फिर चोरी की एक बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, जहां लड़की के लिबास की आड़ में लगभग 70 लाख रुपए मूल्य के जेवरात एवं नगदी पर अपना चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। घटना नगर थाना सेक्टर के वार्ड संख्या 12 अंतर्गत हर्रख गांव की बताई जा रही है। रूम का ताला में जो कब्जा लगा हुआ रहता है, कब्जा को काट दिया है, अंदर घुस के रूम में कोई नहीं था, जस्ट रूम के सटा हुआ हम सोए हुए थे, हम पति पत्नी बच्चे सोए हुए थे, बाहर रूम में मेरा छोटा भाई सोया हुआ था। अंदर जाने के बाद, अंदर घुसने के बाद गोदरेज का लॉकर तोड़ के करीब 40 लाख रुपया के आसपास प्लस कैश होगा, जो बाबूजी खेत भी बेचे थे और भी रुपया बहन की शादी के लिए गहना जेवर जो था करीब 35-40 लाख और जो भी मतलब जो है सो एजेंसी का पैसा आता है वो भी सब रखा हुआ था। भैया दिल्ली गए हुए थे, बाहर जो भी कैश था सब यहाँ था, बैंक में एक रुपया गया नहीं था। अब जाने की तैयारी आजकल में होने वाली थी, इसी बीच में रात में सुबह में उठे तो देखे कि भाई सब कुछ ये सब खुला हुआ। मतलब कुल रकम क्या लगभग? कुल रकम 40-50 लाख कैश होगा और 40 भर सोना होगा और जितना डॉक्यूमेंट्स था कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है बाहर में। बेगूसराय से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां कलयुगी पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को गले में फंदा डालकर हत्या कर दी। वहीं इस हत्या के बाद आरोपी पत्नी और प्रेमी मौके से फरार हो गए। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के सुघरन गांव की बताई जा रही है। गुंजा देवी मारा, मार्ग फांसी लगा के मार के गला घोट के मार घरे में वो करने गया था। मतलब पति पत्नी था अपना, पति पत्नी था अपना, गया था अपना कुछ अपना बात करने के लिए कुछ गया, इसी वजह से मतलब उसको गुस्सा आया कि हम इस साथ में हम प्रेम कर रहे हैं, तुम क्यों आ रहे हो, तुमको मारने, इस वजह से उसको मार दिया गया। हमको बेटा सिलीगुड़ी में रहता था, 1,05,000 में मोगी और छोरा दोनों बुला करके हमको बेटा का घर में जाके फांसी दे के मार दी। लेकिन पासवान और गुंजन देवी दोनों मिले और पहले से इशार भेज से उसको दोनों को जो है सो अपना जना स्त्री पुरुष करता है वो मुताबिक करता था। मामला धनरुआ थाना अंतर्गत पभेड़ा का है, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उस युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नालंदा जिले के कराय परसुराय थाना अंतर्गत अखिलेश सिंह के रूप में हुई है। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही धनरुआ पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले गई। मद्य निषेध विभाग के छापेमारी दल ने सदर थाना क्षेत्र के शाहूगढ़ दीवानी टोला वार्ड संख्या 12 में छापेमारी कर 750 मिलीलीटर का 10 पीस और 375 मिलीलीटर का 24 पीस विदेशी शराब बरामद कर मंतोष कुमार और ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के कलौताहा वार्ड संख्या 7 में छापेमारी कर 4 लीटर चुलाई शराब और 100 मिलीलीटर का 160 पीस कोडीन युक्त कप सिरप बरामद कर चितनारायण यादव को गिरफ्तार किया है। पटना के दानापुर ओपन माइंड बिरला स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके स्कूल और राज्य का नाम रोशन करने वाले होनहार छात्र और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साइंस स्ट्रीम में आस्था सिंह ने 96% अंक के साथ टॉप रही, वही श्रेया कुमारी 95% अंक के साथ सेकेंड टॉपर रही। आयुष पटवारी कॉमर्स स्ट्रीम में टॉपर रहे। दोनों संकाय में सभी 5 टॉपर को जोनल मैनेजर विजय आनंद और प्रिंसिपल शोविका यादव ने सम्मानित किया। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अरिंदम ने 98% के साथ टॉपर रहा। सभी टॉपर को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सभी छात्र छात्राएं सम्मान पाकर बेहद खुश नजर आए। देखिए परफॉर्मेंस हमारी हर साल बहुत अच्छी रहती है और इस साल हमारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और 10th में अरिंदम ने 98% लाया है ओवरऑल एंड आस्था ने 12th में 96% लाया है। दे आर द टॉपर्स ऑफ बोथ द क्लासेस एंड मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स की
और मेरे डिपार्टमेंट की और बच्चों की मेहनत की और उनके पेरेंट्स की, जो इन्होंने हमारे साथ मिलके मेहनत किया और ओपन माइंड्स को इतने अच्छे बच्चे एंड टॉपर्स ला करके दिए। और हर साल मैं चाहूँगी कि परसेंटेज और बढ़े और अच्छा बच्चे करें, और आई विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत ही गौरव की बात है सर, 96% 97% बच्चों का लाना, राइट, तो उनको प्रोत्साहित करने का हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि हम सिर्फ अगर ये बोलें कि टीचर ने मेहनत किया है तो ऐसा नहीं हो सकता, जब तक बच्चे भी अपना मेहनत ना करें। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो उनको वो सम्मान ज़रूर से मिलना चाहिए। तो हमें ये खुशी है, क्योंकि 96-97 जब हम लोग ने 10th पास किया तो मेरे को याद नहीं है कि मेरे को तो मतलब हमारे बैच में किसी को भी 95 बीत जाता हो, राइट। तो हमारे टाइम में तो आप रख लें फर्स्ट डिवीज़न कर लिया या 85 कर लिया तो वो बहुत होता था। तो इन बच्चों ने बहुत ही मेहनत करा है और इन्हीं को देख के और भी बच्चे जो हैं प्रोत्साहित हो, तो ये अच्छी बात है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।